सर बहुत बहुत स्वागत है लहरे पर आपका। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप, बहुत बढ़िया। क्या चल रहा है बताइए। आज हम ऑडियो लैब में हैं, क्या चीज चल रहा है कुछ बताइए। अभी हम लोगों ने फिल्म कंप्लीट की है और उसका इस समय वॉइस डबिंग चल रहा है। भोजपुरी भाषा में फिल्म है मिस्टर आशिक। जी क्या है मिस्टर आशिक, कुछ जानना चाहूंगी मैं उसके बारे में। मिस्टर आशिक एक गांव का लड़का है जिसको एक लड़की से प्यार हो गया है और वो उसको पाने के लिए तरह तरह से, बेसिकली ये कॉमेडी फिल्म है और तरह तरह का प्रोपगेंडा करता है और आखिरी में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और हैप्पी एंडिंग होती है। फिल्म का टाइटल थोड़ा अलग है, जैसे कि भोजपुरी फिल्म की जैसे टाइटल्स होते हैं उनसे जी, कुछ हटकर है। किसकी सोच है ये मिस्टर आशिक रखने का टाइटल जो है। इस फिल्म को मैंने ही लिखा है और जैसा मेरे को हीरो का कैरेक्टर लग रहा था उसको देख के मुझे ऐसा लगा कि इस फिल्म का जो टाइटल है वो मिस्टर आशिक होना चाहिए, क्योंकि गांव का एक लड़का है जिसको इंग्लिश बोलने वाली लड़की से प्यार हो जाता है और उससे वो बात करता है, उसकी बात उसको समझ में आती नहीं है लेकिन फिर भी वो उस पर रिएक्ट करता है और वो पूछती कुछ है और ये बताता कुछ है, लेकिन अंत में इसके भोलेपन को देख के वो इंग्लिश बोलने वाली लड़की अंगूठे छाप लड़के से आई लव यू बोल देती है। तो ये जो जिस तरह से उस लड़की के पीछे पीछे घूमता है पूरी फिल्म में, उसको देख के मुझे लगा कि मिस्टर आशिक ही ऐसा कर सकते हैं। जी जिस तरह की कहानी आप बता रहे हैं कि अंगूठा छाप को इंग्लिश बोलने वाली लड़की से प्यार हो जाता है, उससे शादी हो जाती है, ऐसी कहानी हम बहुत अखबारों में पढ़ते हैं, हम सोशल मीडिया पर भी देखते हैं कि इस तरह की कहानी आती है। क्या उस कहानी से इंस्पायर है या ये कुछ अलग इस पे दिखाया जाएगा। ये फिल्म में इतना कह सकता हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी फिल्म से इसका थोड़ा भी एक भी सीन या एक भी डायलॉग कोई मैच नहीं करेगा। ये मैंने एक सिर्फ आपको थीम बताया, बेसिकली जब आप पिक्चर को देखेंगे तो ये फिल्म बिल्कुल अलग है। स्टार कास्ट के बारे में जानना चाहूंगी। स्टार कास्ट में मैंने एक नए लड़के को इसमें लिया था, चंदन सिंह है, फिल्म के हीरो हैं और बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। साथ में उनके सपोर्टिंग में संजय वर्मा कॉमेडियन है और ये दोनों लोग दोस्त की भूमिका में हैं। जी अदाकाराएं कौन सी है कुछ बताएंगे, हीरोइन कौन है, ग्लैमर कौन है फिल्म में। फिल्म में सुष्मिता। शूटिंग कहाँ कहाँ की गई है कुछ बताएंगे। शूटिंग इसका हम लोगों ने पूरा छत्तीसगढ़ में किया है। बेसिकली मैं छत्तीसगढ़ से ही रहने वाला हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ उस जगह को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। जी। बेहद खूबसूरत जगह है अंबिकापुर, वहीं पे मैंने पूरी फिल्म को शूट किया है। जी आगे की क्या प्लानिंग है, जैसे कि फिल्म तो अभी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, रिलीजिंग के क्या प्लानिंग है कुछ बताइए। रिलीजिंग के लिए पहले फिल्म कंप्लीट हो जाए। फिल्म मेरी दो भाषा में बन रही है, छत्तीसगढ़ी में भी है और भोजपुरी में भी है। मैंने ऐसा प्लान ही किया था तो मुझे लगता है कि मैं इसको फरवरी में थिएटर में ले आऊंगा। जी कोई और प्रोजेक्ट्स है जिस पर आप काम कर रहे हैं इस फिल्म के हाँ, अलावा। इससे पहले मेरी एक फिल्म बन के तैयार है जिसमें लीड रोल में गौरव झा है और उनके साथ हैं रितु सिंह, संजय वर्मा, सोनू पांडे और उस फिल्म का नाम है वादा है तुमसे, जो बन के कंप्लीट है और इस समय सेंसर में गई हुई है और उस फिल्म को AU सर्टिफिकेट हम लोगों को कल प्राप्त हुआ है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगले महीने वो फिल्म रिलीज हो जाए। किस तरह की फिल्म है जो फिल्म की आपने बात की, क्या कहानी होगी, क्या कुछ हटकर होगी, क्या कुछ नया उसमें होगा। उसमें तीन दोस्त हैं और तीन दोस्त के साथ एक छोटा बच्चा है और वो मुख्य भूमिका में वो छोटा बच्चा है, क्योंकि ये जो तीन कैरेक्टर हमारे हैं, एक राजा, चंदन और सोनू, ये तीनों जो हैं उस बच्चे को अपना गुरु मानते हैं और वो बच्चा जैसा उनको सलाह देता है वैसा वो करते हैं। और गांव में तीन लड़कियां शहर से PhD करने के लिए आती हैं और वो बच्चा ही उन तीनों लड़कियों को देख के बोलता है कि ये तो हमार भौजी बने ला एक बारी सन, और उसके बाद तीनों के पास जाता है और बोलता है कि मैं भौजी पसंद, भौजी यानी भाभी, मैं आप लोगों के लिए भाभी पसंद कर लिया हूँ, और फिर इन तीनों को लेकर के जाता है और उन लड़कियों से मिलवाता है और फिर स्टोरी आगे बढ़ती है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि दर्शकों को एक नया चीज देखने को मिलेगा कि एक छोटा बच्चा किस तरह से हीरो को और हीरोइन को अपने पीछे पीछे
घुमा रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि मुख्य भूमिका में इस फिल्म के जो छोटे बच्चे का जिन्होंने कैरेक्टर किया उनका नाम है अमोघ वर्ष पांडे और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। सर थोड़ा सा आपके बारे में जानना चाहूंगी, जैसे कि आपने इस फिल्म का निर्देशन भी किया है, आप निर्माता भी है, कुछ अपने बारे में बताइए हमारे फैंस को। मेरी पहली फिल्म थी बिन तेरे वो साथी रे। बेसिकली मैं ऑर्केस्ट्रा से शुरुआत किया था लेकिन ऑर्केस्ट्रा में गाना गाते गाते मुझे ऐसा लगा कि मुझे फिल्म बनाना चाहिए, तो मैंने पहली फिल्म बनाई थी बिन तेरे वो साथी रे जो रिलीज हो चुकी है। और उसके बाद काफी मेरा लंबा गैप हुआ 6 साल का, जबकि वो फिल्म मेरी बहुत सक्सेस हुई थी और 6 साल के बाद फिर से एक बार मैंने इन दोनों फिल्मों का निर्माण किया है। आगे की क्या सोच है आपको, क्या आप कोई और फिल्म बनाना चाहेंगे? जैसे कि भोजपुरी में और भी स्टार है, सुपरस्टार है, क्या उनके साथ फिल्म, उनको लेकर कोई फिल्म बनाने की कोई इच्छा है क्या, उस पर कुछ काम कर रहे हैं? हाँ, मैं मेरी इच्छा है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें लगभग सफल भी हो चुका हूँ। मेरी अगली फिल्म है परमवीर जय बजरंगी, जिसमें ईश्वर चाहेंगे तो आप लोग पवन सिंह को देखेंगे लीड रोल में। हमारी उनसे बातचीत किसी चल रही है, अभी कंफर्मेशन तो नहीं मिला है लेकिन हो सकता है मे भी, अगर ईश्वर चाहेंगे तो सब ठीक होगा। क्या वजह है कि पवन जी को इस फिल्म के लिए आपने चुना है? अभी ऐसा होगा ना रोल जो आप, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पवन सिंह जी आ जाए इस फिल्म में, इसलिए क्योंकि पवन सिंह की जो पर्सनैलिटी है वो हनुमान भक्त के रूप में बहुत मुझे जस्ती है देखने के बाद, जिस तरह का उनका फीचर्स है, जैसा उनका आवाज है। और पवन सिंह गाते भी बहुत अच्छा है फिल्म में, जो गीत हैं उसके कंपोजिशन कुछ ऐसे हुए हैं कि जब उन गीतों को मैं सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि इन गीतों में पवन सिंह की आवाज होनी चाहिए। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, अभी कन्फर्म नहीं है, देखिए ईश्वर जो चाहेंगे वो होगा। मुलाकात हुई आपकी पवन जी से, कुछ बातचीत हुई आपकी? हाँ थोड़ी बहुत हुई है लेकिन अभी मैं कुछ उसके बारे में आपको बता नहीं पाऊंगा जी। मेरा प्रयास है कि वो आ जाए इस फिल्म में, मैं कोशिश करूंगा उनको लेने का जी। कुछ कहना चाहेंगे फैंस को आपकी जो फिल्म आने वाली है दोनों उसके लिए? बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए मिलकर के जो भोजपुरी पे एक दाग लगा हुआ है वल्गरिटी का, अश्लीलता का, उसको धोएं। भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है और जितना बड़ा दर्शक वर्ग है मुझे लगता है कि हम साउथ से भी आगे निकल सकते हैं। 32 करोड़ लोगों का वर्ग है ये और जिस तरह से पास्ट में अश्लीलता को परोसा गया है उससे मुझे लगता है कि जो महिलाएं हैं वो भोजपुरी से कट गई हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग अब जो फिल्में बन रही हैं वो बहुत साफ सुथरी अच्छी फिल्में बन रही हैं भोजपुरी में, तो आप लोग हम लोगों को थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए ताकि हम लोग भोजपुरी इंडस्ट्री को आगे लेके जा सकें। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू।